वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप साईं टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले मैं अज फिर तो खड़ा हाँ, लाइव हो रहा हाँ बॉयज हाई स्कूल सिंबल कैंप के स्पोर्ट्स ग्राउंड के विच। तो तुसी देख रहे हो कि इस वेले मेरे नाल मैं वीर नूं कहांगा कि इधर दिखा दो, सारे नौजवान वीर खड़े ने और SDS के जिहड़े मैंबर भी खड़े ने, यूनाइटेड सिक्स के मैंबर भी खड़े ने और साडे वीर रजिंदर सिंह जी जिहड़े एक्स सरपंच ने इत्थे दे और हॉकी के जिहड़े प्रधान भी ने इत्थे वो भी नाल खड़े ने। और ये इस वेले होण जा रहा है अज एक क्रिकेट टूरनामेंट जो टैनिस बॉल दे नाल खेडिया जाएगा और सारे प्लेयर जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने, दोवें टीमां ने। एक टीम जिहड़ी है वह है दशमेश क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम है जिहड़ी कि मूसेवाला जिहड़ा वॉरियर्स करके। हुण इन्हां दोहां टीमां दे विच अज इत्थे मैच होण जा रहा है। एक छोटा ग्राउंड क्रिएट किया गया है, इसी ग्राउंड दे विच तुहानूं दस दईए कि पहलां भी बहुत सारियां खेडां होईयां ने जिथे हॉकी के टूरनामेंट होंगे ने, खो खो के टूरनामेंट होंगे ने, होर भी बहुत सारे टूरनामेंट होंगे ने। और अज जो टेनिस बॉल के नाल क्रिकेट का जड़ा एक टूरनामेंट है वो शुरू किया गया है। और गलबात करांगे पहला साडे जिहड़े सरदार रजिंदर सिंह जी एक सरपंच इत्थे आए हैं उन्होंने नाल, तो उस तो बाद कराउंगे टास तो फिर असं बाकी वीरां दे नाल गलबात करांगे। वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज कैसा लग रहा है, तुसीं देख रहे हैं कि ग्राउंड जिहड़ा है तैयार वर तैयार है और बच्चे हुण नवे नवे तरह के टूरनामेंट्स वगैरह भी करना शुरू कर गए और अज ये टेनिस बॉल का टूरनामेंट और तुसीं इत्थे एज ए चीफ गैसट आए हो, की गल कहना चाहोगे? सब तो पहले आप जी नूं मुबारकबाद देना कि कोई भी गेम होंदी है किसी चीज़ की भी होंदी है आप पुजदे हो तो कम से कम साडी जिहड़ी आवाज़ बाहर जाती है तो सारे प्लेयरां की हौसला अफजाई होंदी है। जे तां ग्राउंड का मसला है जिहड़ी साडी सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी बनी है, अच्छा योगदान और ईमानदार नाल तुहानूं इह गल दसदा कि बहुत ही अच्छा लगता जिहड़े सोचदे आ देखदे आ कि खुद आपे जिन्ने भी इसके मैंबर है आपे मशीन लेके आपे लगे रहते और जगह जगह ये जाके काम करते हैं। अज ग्राउंड दिस रहा है कि जिसनों ग्राउंड आखते हैं बड़ी बुरी हाल सी, कोई इसी दौर आए नहीं है और भी इन्होंने स्कूलों में भी जाके अगे पिछे भी ग्राउंड जाके इन्होंने अच्छा काम किया। बाकी रही अज टूरनामेंट हैगी है मूसा वॉरियर और दशमेश क्रिकेट क्लब गाड़ीघाट के असी इन्ह बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और आप जी के थ्रू ये जी आवाज बाहर करना चाहते हैं कि घर घर के प्लेयर जिहड़ा साडा तैयार होना चाहिए, चाहे हॉकी का हो चाहे क्रिकेट का हो, तुसी खो खो क्या चाहे फुटबॉल वॉलीबॉल मतलब कोई भी जी गेम है खेलन और जेडे साडे बच्चे साडे करके कोई किसी कौम नाल गल रखदे होवन अगर गलत कामां विच लिप्त पतन इस तों बाहर निकलन ते एक प्लेयर बनन अच्छे खिलाड़ी बनन। इस ग्राउंड दे विचों आप जी नूं पता होना चाहिए कि साडे जिहड़े सैकटरी हन MBS क्लब दे इंडिया दे हाकी दे कोच भी बन के निकले। उस तों बाद गल करिए ते जम्मू कश्मीर विच जिथे इत्थे साडी हाकी खेलन जांदी है MBS क्लब मेरे हिसाब दे नाल जिहड़ी जम्मू कश्मीर दी सब तों वड्डी टीम है JK पुलिस है जी जी, उन्हां दा बड़ा वड्डा मुकाबला जाके कश्मीर दे विच होया और साडे क्रिकेट वाले जिहड़े प्लेयर हन मैं दो वारी उन्हां नूं रोटे भी गया, आप जी भी एक वारी गए सी उत्थे कि इन्होंने सैमीफाइनल तक फाइनल तक खेलन बड़ी खुशी होंदी है। जिसलै सिंबल कैंप दा नाम आंदा ना साडा थोड़ा अपने आप नूं सिलेक्ट बुलंद होंदा है कि असीं कितें कितें खेलदे सी जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद आंदी है। लेकिन आप जी दे थ्रू जरूर इह गल कहांगे कि जिन्ने भी साडे बच्चे घरां 'च बैठदे देखदे न ग्राउंड 'च जरूर आवन, जरा नहीं खेल सकता छोटा मैं छोटा भी आए कोई दौड़ लाए कोई अपना सैर करे एक दूसरे देख के कहते खरबूजे। हम तो लाइटा भी लग चुकी ने, तुसी रात के हनेरे च भी इतने आके खेल सकते हो तो हुण असी टास भी करांगे। उस तो पहला मैं जसप्रीत वीर जिम्मी मेरे से नाल खड़े ने उन्होंने नाल गलबात करांगा क्योंकि ये मैं इन्हों का जरा परसनल मैं अपने तौर पर एक आपसी साइंस टीवी वालों एक इन्हों का नाम रखे है कि सिंबल कैंप के जैम, तो ये सिंबल कैंप के जो जैम ने वीर जी की कहना चाहोगे अज हॉकी तो हट के क्रिकेट के आए हो? वाहेगुरु जी वाहेगुरु फतेह। पहले तो यंगस्टार क्रिकेट क्लब नूं बहुत बहुत मुबारक हैं कि इस तरह के उपराले होने चाहिए ते बाकी सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी का तुसी देख ही सकते हो ग्राउंड उन्होंने तैयार करके दिता हुआ पूरा
प्रधान साहब ने MBS क्लब प्रेजिडेंट पिछले 11 साल तो बिल्कुल तलविंदर वीर रिक्वेस्ट करांगा क्योंकि क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज जिन्होंने ग्राउंड के बारे रूल एंड रेगुलेशन दसनगे ताकि सारे पता लगना चाहिए कि सर्कल किस तरह के टूर्नामेंट हो रही है ताकि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा सके जी। टास्क तो पहला मैं वीर तलविंदर सिंह को कहांगा कि सब तो पहला तो थानू भी बहुत बहुत मुबारक है। मैं कहांगा इस साइड आ जाओ अगर थोड़ा लाइट पै रही है थानू भी कहांगा कि बहुत बहुत मुबारक है कि तुम ये उपराला किया। एक ग्राउंड जरा काफी मैं देख रहा कि छोटा ग्राउंड है और ये किस तरह का ग्राउंड होगा और किस तरह के प्लेयर्स वगैरह की रूल रेगुलेशन सुन के थोड़ा जहा दस दो। ये होगा कि अंडर सर्कल ही चलेगा जी जी कोई डायरेक्ट बाहर नहीं शॉट लगानी है कि अंडर सर्कल ही बाउंड्री होगी सिक्स नहीं होगा ठीक है। दस ओवर की गेम होगी तो दो इनिंग आनी है ठीक है। तो ए सारा मतलब कि सिर्फ अंडर सर्कल ही जड़ा है टूर्नामेंट है पूरा किया जाएगा और असि कोशिश करांगे कि तुहानू थोड़ा जा मैच भी दिखावांगे। उस तो पहला टॉस जड़ी है वो होन जा रही है दोनों दे विचाले तो टॉस जड़ी है वो मूसा वारियर्स ने जीत लिया जी। हाँ जी सर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज तुसी इत्थे एक देखिया कि ग्राउंड जड़ा तैयार होया और तुहाडा इत्थे टूर्नामेंट शायद इत्थे अंडर सर्कल खेडन जा रहे हो और टीम तुहाडी तैयार पर तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। ग्राउंड देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही वधिया लग रहा है जी ग्राउंड देख के। हाँ जी जी तो हुण अज तैयारी है पूरी दी पूरी बिल्कुल पूरी। किन्ने प्लेयर ने तुहाडी टीम दे विच? इसलिए टोटल 9 प्लेयर ने। 9 प्लेयर फील्डिंग करेंगे ते 9 बैटिंग करेंगे। 9 बैटिंग करेंगे फील्डिंग विच 8 ही रहेंगे। फील्डिंग दे विच 8 ही रहेंगे। हां जी हां जी। तो तैयारी किन्ने ओवर्स दा मैच होएगा किस तरह होएगा? डबल इनिंग है 10 ओवर पर साइड ठीक है। हां जी हां जी। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਟਾਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਕੀਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਟਾਸ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਚ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾੜੀ ਗੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਗਾੜੀ ਗੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾੜੀ ਗੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾੜੀ ਗੜ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ ਬੈਟਿੰਗ ਖੇਡਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੋ ਖੋ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਖਸ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ YCC ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਤੇ YCC ਹੋ ਗਈ ਚਾਹੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਮਰ ਕੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਔਰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਗਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YCC ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਰੁਤਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰਾ ਨਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਥੇ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਭੈੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਸਰਕਲ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਜਾਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਖਣਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਬਲ ਮੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਲੀ ਮੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਾਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਟੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਿੰਡੇ ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਟਿੰਡੇ ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ ਖੇਡਣਾ ਰਾਤੀ 9-9 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਰਵੇ ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਪਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸਰਕਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਨੇ
जो है वो बैट चुनिया है और दशमेश क्रिकेट क्लब जड़ा है वो इस वेले फील्ड दे विच है और ए क्योंकि अंडर सर्कल है तो अगर डायरेक्ट शॉट जड़ी है बाहर जाती है ता वो प्लेयर नू आउट गिनिया जाता है। राजवीर बॉलिंग ले तैयार तलविंदर जी जो कि टूर्नामेंट है ना चप्पल नहीं सर्कल क्रिकेट दे महान खिलाड़ियन आज सिंबल सर्कल क्रिकेट लीग जो कि यंग स्टार क्रिकेट क्लब की तरफ कराई जा रही है पहला मैच बाल ले तैयार खुद कैप्टन तलविंदर सिंह अच्छी शॉट तेजी ना लेकर रन मुंडे के नाम पूछी के ना किधर के ना है इधर नाम क्या है बैटिंग ना नाम मन्नत अच्छी शॉट लेकिन फील्डिंग चूस दशमेश क्लब गाड़ीगढ़ मूसा क्लब सिंबल दे विच मैच राजवीर बाल करा ले तैयार उन्हें बेहतरीन चार लेकिन रूल दे अकॉर्डिंग प्लेयर आउट 30 यार्ड से बाहर बाल भी थे आउट। मैं दस दवा की 30 यार्ड दा है ग्राउंड है डायरेक्ट बाल अगर ग्राउंड दे पार पैंदी है तो प्लेयर आउट। दीपू जी बहुत ही पुराने खिलाड़ी है दीपू जी नू रिक्वेस्ट है दर्शकों नू एक बार आ चुके जरूर दस दें वेरी गुड जोरदार ताड़िया दीपू जी तैयार बाल दी गति नू नाप दे सिंगल चोरी नाल बहुत ही अच्छा दुए रन दी तैयारी तलविंदर ने लगता अंडे ज्यादा खा ले सन ताई रुक नहीं रहे ने पूरी चुस्ती नाल तैयार हैं इन्हों MRF ने स्पॉन्सर दिता सी पर इन्होंने बैट दे लगान तो मना कर दिता फिर भी ये आज कैप्टनशिप दी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने मुंडिया दे लई है ताई थोड़े मुंडे चुके हुए हैं बाल खेडन नू तैयार राजवीर दी बाल तलविंदर दा उन्ना ही अच्छा बाल नू डिफेंस करन दा प्रयास मैं रिक्वेस्ट करांगा एम्पायर नू के स्कोर ते अवर जरूर दस दिते जा ताकि असि कमेंट्री च बोल सकिए चलो ठीक अच्छा कल लेना साढ़े भी डायमंड क्रिकेट क्लब दे मास्टर गुरदेव जी पहुंचे असि रिक्वेस्ट करते हैं सर इत्थे आओ ताकि क्रिकेट दे टूर्नामेंट नू चार चाल लगन जेडे क्रिकेट दे खिलाड़ी बैठे डायमंड क्लब दे साढ़े सिंबल दी शान जानवीर जो कि JKCL नू खेडदे रिक्वेस्ट है कि इधर आ जाए क्रिकेट दी टूर्नामेंट है इत्थे आके बैठन ताकि बहुत देर बाद इस सिंबल कैंप दे हाई स्कूल विच क्रिकेट दी टूर्नामेंट देखने नू मिल रही है साडे विच मैं कैमरामैन साहब आपसी साझा रिक्वेस्ट करांगा जरूर इधर मोड़न ताकि जो साडे डायमंड क्रिकेट क्लब दे बहुत पुराने प्लेयर हैं साडे विच पहुंचे हैं असीं इन्हां नू भी जी आया नू कहंदे आ इधर आ रूल रूल दसो यार एक बल्ले तो जोत जी सरबजोत सिंह डायमंड क्रिकेट क्लब दे प्लेयर ने भी पहुंचे हैं सरबजोत सिंह सागर जी भी हैं आपसी सांझ जाला दा बहुत बहुत धन्यवाद सिंबल दी कोई भी एक्टिविटी होवे वीर तजिंदर सिंह जी जरूर कवर करते हैं बिल्कुल निष्काम सेवा इन्हां दी
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਕੋਰਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੀਪੂ ਜੀ ਖੌਫ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਦੀਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੁੱਕਾ ਚ ਨਾ ਆਣ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਵੀਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪਦੇ ਹੋ ਦੀਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਦੀਪੂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਰ ਰਨ ਬਾਲ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਪੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਛਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਨ ਚੁਰਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਡਵੈਲਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਗਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪੂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਦੀਪੂ ਇੱਕ ਰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ। ਦੀਪੂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਲ ਦਾ ਟੰਡਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਵੀ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਓਵਰ ਛੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ ਲਈ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਰ ਰਨ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਰਨ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਝੋਟੇ ਖੇਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਪੂ ਦੀ ਬਾਲ ਅੰਪਾਇਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ LPW ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਦੀਪੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੀਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਆਈਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀਪੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌਕਾ ਕਲਾਸੀਕਲ। ਸਕੋਰਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਹੈ 33 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਲਾਸਟ ਬਾਲ ਬਾਕੀ
अगली बॉल प्यार, लेकिन दीपू जी की क्लैश और दूसरा चौका। इस ग्राउंड मेरे हिसाब न जरा 20 रन प्लेयर मार लेगा 50 के बराबर है। दीपू जी दो चार रन ही रहेंगे तो बैट खड़ा करांगे। अगली बॉल फिर तैयार तलविंदर जी अपने सामने की दिशा शॉट खेडन की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। फिर भी अपनी टीम के खाते जेकर इन्होंने जोड़िया 38 स्कोर हो चुके हैं। छेवां ओवर चल रहा है, अंपायर ने वाइड दी है, फ्री के खाते च एक स्कोर हो रहा है। दीपू जी फिर तैयार लेकिन इस बार बॉलर उन्हें ही चूस। नाम क्या बॉलर का? बॉलर ने दसा जाए जरूर रिदम। आज ही रिदम दी बॉल, दीपू दी शॉट लेकिन फील्डर चुस्त। रिदम दी बॉल, स्लो कटर मारने की कोशिश, तलविंदर ने कुछ एक्स्ट्रा ही जाल ला दी है। बॉल ग्राउंड दे बाहर, तलविंदर जी वापस पवेलियन दी तरफ। मेरे हिसाब नाल उन्हें बॉलिंग दी रणनीति बनान ताई मैच बचाया जा सकता है। डग आउट ही जाते हुए दमन दमन बैट्समैन जो अगले आया उन्होंने नाम दमन। लेफ्टी खिडारी बॉलर नु दिक्कत हो सकती है लेकिन दमन जी ने पूरा चाइनर दी चाइना दे बॉर्डर दी तरह डिफेंस किया। दीपू जी जो कि गातक बल्लेबाजी दे मने जांदे हन, मैनू लगता तलविंदर कोल जान दी तैयारी च हन, जल्दी तो जल्दी करनगे कुछ या आर जा पार। अच्छी शॉट लेकिन एक रन, टोटल स्कोर 42। मूसा क्रिकेट क्लब 42 स्कोर हो चुके हैं 6 ओवर विच, 4 ओवर का खेल बाकी रह गया। 8-2 ओवर है, 8-8 ओवर है, 8 ओवर है, 8 ओवर है, 2 ओवर का खेल बाकी रह गया। मैं तनवीर जी कालू जी रिक्वेस्ट करांगा साडे अज दे जो मैच लाइव चल रहा है उन्होंने पानी की सेवा कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी जाए। दीपू जी गैप ढूंढ दे लेकिन साथी खिडारी आउट, थोड़ी फिटनेस की कमी जरूर पर चुस्ती। गुरप्रीत जी यंगस्टार क्रिकेट क्लब दे प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, साडे विच पहुंच चुके हैं। मैं कालू जी नूं कहांगा फुल्लां नाल उन्हां दा स्वागत किया जाए। बताली बताली स्कैन कोड भेजा स्कोर बोल रहे से ठीक है। सागर जी डायमंड क्रिकेट क्लब दे प्लेयर हैं, अच्छे ही प्लेयर। मूसा क्लब ने 2,85,000 डॉलर दे विच इन्हां दी बोली पाई है, काफी महंगे बिके हैं। अगर इन्हां दी फिटनेस थोड़ी जी और अच्छी होंदी शायद 2-4 लाख रुपया रेट उपर बच सकता सी। दीपू जी गैप ढूंढ दे 4 रन, इसे तरीके नाल दीपू जी दी 50। दीपू जी बैट जरूर उपर कर, दीपू जी ताडे 4-5 चौके, अगर बैट जरूर उपर कीता जाए। वेरी गुड, ताड़ियां नाल स्वागत। रंग दे काले आ बैट नाल खेडे आ, दुध मखरा वाला मावा ने पाले आ, ताई चौके नाल बॉलरां नूं टालिया। दीपू जी दा कहना दीपू जी दी अगली शॉट मिस, शायद फोर्स ज्यादा सी बॉल दे विच।
एक बॉल बाकी है, लास्ट बॉल। सागर जी कोई चमत्कार करके दसनगे किस नाम नाले जाने जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट की थी जी मास्टर गुरदेव सिंह जी नू कि वो डोमिड जरूर आन। मास्टर गुरदेव जी लाइव चल रहा है ताकि अपने विचार जरूर देन, असी इस तरह दे क्रिकेट दे उपराले और करिए। अच्छा कह रहे हैं कि असी फाइनली जरूर विचार देंगे, सहमति है साड़ी उन्हें नाल। कोई गल नहीं सागर जी, रोहित शर्मा की तरह पहले मैच नहीं चलते होंगे, टीम जीतेगी अगे जरूर चलेंगे, आस ही रख सकते हैं असी। विशी जी बड़े पुराने प्लेयर और बॉलर हैं, विशी जी हाथ जरूर उपर कर रहे, एक बार विशी जी प्लीज रिक्वेस्ट है हाथ उपर कर दो, वेरी गुड, तालियां स्वागत करो विशी जी का, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं साडे, मेरी कमेंट्री की किसी भी गल का बुरा नहीं मनणगे, मैनू पूरी आस है। विशी जी वह बॉलर हैं जिते मर्जी विकटा ला लो बंदा आउट होगा ही होगा, पर अज बैटिंग बड़े उपर उतरे हैं, शायद भी दलविंदर की कोई रन दी होगी, स्कोर जरा पंजा हो गया। अच्छा खतरा दीपू को नहीं खतरा विशी को सी दूजी टीम नू, कीपर की बड़ी चुस्ती दिमाग लाया दीपू जी, सारी जिम्मेवारी तुहाडे मुंडिया ते आ। राजा जी एक बार प्लीज बैट उपर कर दे, वेरी गुड, तारियां नाल स्वागत राजा जी दा। मैच दे विच इंटरेस्ट जिसले दे तलविंदर जी की विकेट उठी है मैच दे विच इंटरेस्ट थोड़ा जा घटता जा रहा दर्शकों का, पर दीपू जी इंटरेस्ट पाने की पूरी कोशिश, चार रन इसमें तक लगभग 99.5% मैन ऑफ द मैच के हकदार हो चुके हैं, पर एक इनिंग और रहती है कुछ असं तय नहीं कर सकते। आठ ओवर कंप्लीट, टोटल स्कोर 54, यानी कि 55 रन का टारगेट है। मैं साढ़े कोल रमनवीर जो कि साढ़े बीच बैठे हैं, असी इन्हों इंटरवल के टाइम थोड़ी बहुत गल्ला बातें करिए ताकि साढ़े सिंबल दी जो यूथ हैं उन्होंने स्पोर्ट्स वाल किस तरह जोड़िया जाए। वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी मैं अज कुछ सवाल भी तुसी कह सकते हो जो दिल की इच्छा उस मुताबिक तुहानू पुछांगा। अज इस ग्राउंड दे विच तुसी बैठे हो हर एक गेम का आनंद माणदे हो, क्रिकेट की गेम देख के तुहानू किदां दा फील हो रहा है? वीर जी ये गेम जी अज कोई पहली बार नहीं, पहला भी असी YCC क्रिकेट क्लब के जिन्हें भी टूरनामेंट इतने होंगे तकरीबन सारे का लाहा लेंगे, तो अज वापस इतने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और जे ग्राउंड एक ऐसी चीज़ है कि इतने आके हर कोई बंदा जो प्रभावित होता है,
क्योंकि जो उत्थे बच्चों का जोश देखते हैं नौजवानों का तो कितने मन भी बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि जो हालात समाज भी चल रहे उन्होंने देखते हुए ना जो असं अपने नौजवान देखते हैं सिमल कैंप के चढ़ती कला वाले जिन्होंने इतने देश में नहीं विदेश में भी जाके अपन मल्ला मारिया ने सो मन जरा ग्राउंड जाके बड़ा ही प्रसन्न होता जी। कुछ दिन पहला जो तुम आए सो जो इतने सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी ने काम शुरू किया उस ग्राउंड अज के ग्राउंड की फर्क समझते हो? देखो जी अगर ग्राउंड की साफ सफाई रहेगी ना तो कुदरती गल है कि तुम उसकी केयर करोगे तो वैसे वधिया लगेगा ही लगेगा। पहले लाइटिंग भी नहीं सी फिर सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी ने लाइट जो सारी लाइटिंग जो लगवाइया ने हम थोड़ी देर बाद सारा जो ग्राउंड जो जगमगाता जो दिखाई देगा। दूसरा ग्राउंड के जो किनारे से तकरीबन सारे किनारे देखते घा बड़ा सी सेंटर भी बड़ा सी तुम खुद भी हथों बड़ी मेहनत की है भावें मशीनों के नाल तो हूँ वैसे भी तुम्हें पता है कि जिसने किसी चीज़ की केयर करो ना फिर वो चीज़ बन के जी तैयार होंगी तो वक्री जी तैयार होंगी और बहुत अच्छी वधिया और तुम भी तुम ज़्यादा इतने सो खेलते हो तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए इस चीज़ का कि भाई इतने कितना मज़ा आ रहा तुम्हें हूँ तो जिले घा पहले बहुत ज़्यादा सी फर्क काफ़ी सी हूँ बहुत वधिया हो गया था ग्राउंड। बाकी हूँ एक बेनती मैं करना चाहवाँगा कि इतने बड़िया बड़िया स्टेजा में आके बड़ा कुछ जिन्होंने कहा था उन्होंने बेनती कराँगा मेरे पोलिटिशन वीर कि तुम ग्राउंड लेवलिंग करके कह गए सो थोड़ा जहा ध्यान दो थोड़े कोई बड़ी वो गल नहीं है कि ताकि ये ग्राउंड जो पूरा है एकदम लेवल बन जाए सोहनी चीज़ बन जाए होर वधिया चीज़ बन जाए ताकि साढ़े जोड़े नौजवान वीर खेडते हैं क्रिकेट खेडते हैं हॉकी खेडते हैं वॉलीबॉल खेडते हैं वह होर अच्छा जो लाह जो उस ग्राउंड का वो लै सकन। रमन वीर जी अज तुम ये जो मैच देख रहे हो क्रिकेट की टूरनामेंट पहले भी बहुत वड्डी वड्डी हुई क्योंकि सिंबल एक क्रिकेट के नाम तो भी जाना जाता पर काफ़ी अरसे दे बाद मेरे हिसाब नाल इत्थे टूरनामेंट हो रही है बाहरों टीम भी आई हैं जो तुसी लेवलिंग की गल की असं भी ये गल करते हैं कि जिन्हां वीर नूं इन्होंने कहा जिन्होंने सानूं इत्थे ग्राउंड के लिए कहा जल्दी तो जल्दी लेवलिंग करा ताकि जो बाहरों टीम आई हैं वो देख सकन कि इन्हां कोल भी एक अपना होम का जिहड़ा वो ग्राउंड है। तो वीर जी मैं तुहानूं थोड़ा जिहा धार्मिक पासे वाले ध्यान करांगा तुहाडा तुसी थोड़े दिन पहला देखिया गतका का कंपीटिशन होया एम ए स्टेडियम दे विच गतका एक साड़ी धार्मिक गेम है क्या असी उसका रुख सिंबल वाल भी मोड़ांगे? बिल्कुल वीर जी साड़ी गतके की क्लासा वीर इकजोत सिंह सिंबल तो जड़ा ने वार्ड नंबर दो तो वह वीर जोड़े साढ़े सिंबल मखनपुर गुरुद्वारा साहब सिंह सभा विखे जी पहले भी लगा रही थी हूँ काफ़ी बच्चे उत्थे गतके दे तैयार होए ने तो वह क्लासा साडा जिहड़ा हुण सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी से असी यह भी सोचा है कि आने वाले टाइम दे विच असी इस ग्राउंड विच होए चाहे दो नंबर वार्ड का जिहड़ा सिंबल कैंप का ग्राउंड है उत्ते असी गतके की क्लास जिहड़ी है क्योंकि मीरी पीरी का सिद्धांत जिहड़ा वह नाल रहना चाहिए है ये जिहड़े गतका जिहड़ा है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की दित्ती हुई दात है सानू असी इहनू विसार नहीं सकते सो है कि यह असी क्लासा जिहड़ियां ने बड़े जल्दी भी स्टार्ट करवाएंगे। तो वीर जी तुसी सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी के मैंबर भी हो ते क्या असी सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी तरफों कोई टूरनामेंट भी ऑर्गेनाइज करांगे जल्दी तो जल्दी? देखो असी इस उपराले कोई विचार नहीं की थी है ना स्टेप बाय स्टेप जिस तरह सानू नौजवान जो काम कहेंगे वो असी देखो नौजवानों के लिए असी कुछ भी करांगे जिस भी चीज़ के विच अगर साडे नौजवान इंट्रस्टड होणगे चाहे टूरनामेंटा कह लो गतका कह लो मतलब जिस दे नाल समाज नूं एक अच्छी सेहत मिले जिस दे नाल साडी नौजवानी बची दी रहे वो असी हर तत्पर जी कोशिश है वो नौजवानों के लिए लगे हाँ नौजवानों के लिए जरूर करांगे। ये साढ़े नाल सन जी रमनदीप वीर जी असी सिंबल डिवेलपमेंट सोसायटी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फिर तू जो कि इन्होंने खास करके स्पोर्ट्स के लिए नाली गलियां वो तो इलैक्शन के दौरान भी चलदियां हैं पर स्पोर्ट्स के लिए जो इन्होंने एक मुद्दा चुकया और बच्चों नूं ग्राउंड प्रोवाइड करवा रहे हैं असं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रुक एक बार फिर मैच के वलों मैं स्कोरर साहब नूं कहांगा कि वो जाते मेरे को आ जाए मैं उन्होंने को ही आ जाता 15 रन दूसरा ओवर चल रहा है गतक आतिशबाजी बबलू जी बाल कराने लिए तैयार हाकी ने भी लैफ्ट आउट खिडारी रहे हैं कालू जी नाल खेडे हैं तनवीर जी तुहानू मैच देख के अज का कैसा लग रहा? बहुत वधिया लग रहा बहुत वधिया। देखो जी तनवीर वीर जो कि साढ़े कोल इत्थे बैठे हुए हैं मैच का पूरा आनंद मार रहे हैं एक रन और बैट्समैन का नाम
दूसरा गुरविंदर ते जशन 16 स्कोर दो डायमंड ले नहीं आ रहा जी हम ब्लाउ हम है इन पूछो हर डायमंड ले जमीर डायमंड ले ब्लाउ पीछे पूछिए बाल इधर ना कितना इधर 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 कलू ठीक नहीं बना सके ना नहीं गेम दे रहे थे कुछ हुआ नहीं पूछा यार इधर साढ़े कोल जानवीर जी जो कि जेके सीए दे क्रिकेट प्लेयर हैं जानवीर जी जरूर दसया जाए कि इस तरह दी सर्कल गेम दा की इंटरेस्ट है और साडे प्लेयर किस तरह अगे निकल सकते हैं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इस टूरनामेंट दे विच इस गेम दे बड़े फायदे हैं जी हां इसते सब तो पहले तो सानू सिंगल कटने जा जांदी है कि सिंगल किया निकलदे हैं क्योंकि क्रिकेट च सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेड़ा बंदा सिंगल कट सकदा ओही अगे खेल सकदा ते फिटनेस भी वधिया रहिंदी है बंदा सिंगल डबल ज्यादा निकलदे ने इधर बस यही चक्कर है जानवीर जी तुसी क्रिकेट बड़े अच्छे तरीके नाल खेडदे हो तुसी मैनूं इह दसो कि ਇਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਚੌਕੀ ਜਾਂਦੇ ਚੌਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਨ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਰਨ ਆਊਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ 20 ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ चार गेंदा तीसरे ओवर दिया विशी जी जाने माने बॉलर अपनी पूरी निगाहों के नाल तैयार बॉल नु सटन दी कोशिश कटर लेकिन ये बेटी गड्डी नहीं रन आउट खाते नहीं होंगे मन मोटा रूल जानदा क्रिकेट दा यार विशी जी जरूर एक विकेट लैन ताकि दर्शकों को पता लगे विशी जी ऊपर जो विशी जी ने विकेट ले ही ली जोरदार तारिया ए दशमेश क्लब ने 3000 पाउंड इज खरीदे हैं उन्होंने साबित कर दिता है कि जो मेरे ऊपर पैसा लगाया है वो बिल्कुल सही है मूसा वारियर तलविंदर जी ने लगभग कोई 9 लाख 86,392 रुपए के बजट नाल टीम तैयार की है ते विशी जी जो 3000 पाउंड च बिके सन क्योंकि इन्हां दी करेंसी जो पाउंड दे विच चेंज हुई है इंग्लैंड तो स्पेशल आए हैं ते उन्होंने साबित कर दिता विकेट लै गए मनदीप जी बैट्समैन अज दीपू जी ने जो आक्रमक बैटिंग की है दिनार दे विच बिके ने क्योंकि दुबई काफी टाइम रहे फिर कुवैत चले गए दिनार दे विच इन्हां दा जो डेब्यू होया मूसा क्रिकेट क्लब विच अज दीपू जी ने लगभग 25 तरील ते करीब रन किते हैं राजवीर बॉलिंग तो इन्हां दा नाम सुनिया सी बैटिंग भी आक्रमक तलविंदर जो कि खुद टीम दे कैप्टन हैं उल्टा वाला दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ 10 12 ਰੇਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਲੇਕਿਨ ਚੁਸਤ ਉਹ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਨ ਦੇ सागर जी जरूर अपनी कटर का प्रदर्शन देन इन्हों पर भी इन्होंने 2 लाख कोरियन डॉलर खर्चे हैं ये भी काफी महंगे खरीदे गए हैं ओ चुस्ती नाल तलविंदर जी की फील्डिंग
साडे कोल करणजीत सिंह जी एप्पल जी जो कि जेएंडके पुलिस हाकी टीम दे प्लेयर हैं ओ भी पहुंचे हैं असि जिया नु कहंदे आ रोबिन जी नो बॉल नो बॉल क्या इसका रन मिलेगा नो बॉल का रन मिलेगा बाकी कोई नहीं चार ओवर स्कोर 27 अद्ध दे करीब हो गया करणजीत सिंह जी एप्पल जो कि 27,000 इंडियन रुपीस खरीदे गए हैं फील्डिंग लई राजवीर दी शॉट कट करना चाहते सन एक विकेट होर सागर जी ने यह विकेट ली है सागर जी तुहानू दस दिए 2 लाख कोरियन डॉलर विच बिके हैं मेरी तरफों सॉरी है ट्रिपल पहले दे बहुत बेइज्जती हो जाएगी दशमेश क्लब जो जल्दी जल्दी वापस गाड़ी घर जाने की सोच रहे हैं ता ही रुक ही नहीं रहे शायद किधरे और भी टूरनामेंट खेडनी होनी इन्होंने मैच होना है मैं दर्शकों को दस दिया है जो क्रिकेट टूरनामेंट कराई जा रही है यंग स्टार क्रिकेट क्लब की तरफों बहुत बड़ा उपराला है आज पहला दिन है रोज इतने मैच होंगे आके मैच का आनंद मारो नाले दिवाली के पटाके भी फाड़ो असी तलविंदर वीर ने सोचा सी कि लाइटा विच मैच कराइए पर लाइटिंग लुइटिंग करिए कहते अकाल तख्त साहब का हुक्म है कि लाइटिंग नहीं करनी तो उस चक्कर इन्होंने लाइटा नहीं लाइया तो असं इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो अगली टूरनामेंट जी है वह थानू नाइट दसांगे अकाल तख्त साहब तो बाहर नहीं जा नहीं जा सकते असी बाल जड़ी है सागर जी एक बार फिर तैयार बाल लुक पाया फील्डर रोबिन जी तैयार लेकिन थ्रो बड़ी सुस्त मारी इन्होंने आउट लेकिन एम्पायर जड़े हैं वो रिव्यू का मौका ही नहीं देंगे बहुत सख्त गुरप्रीत जी लगभग 2700 मैचों का एक्सपीरियंस है इन्हों को ज्यादा ही हो सकता ही खेड देना आउट हो गया बीटो भी नहीं एक खिलाड़ी और आउट उन दशमेश क्लब थोड़ा खतरे विच मुश्किल हो सकती है टीम नू आपसी सांझा लेना बहुत बहुत धन्यवाद दरअसल इन्हों भी अपने सिंबल की खिच करके ग्राउंड आना पैंदा सेवावां देनिया पैंदियां असीं समझ सकते हैं कि यह चैनल जो है गुरु रामदास की कृपा नाल बहुत चढ़दी कला च हो गया ते जिहड़ी ने टोल वाली वीडियो की उस चूहा ज्यादा चढ़िया ते इन्हों फोन बड़े आ रहे वीर जी पहुंचो फलानी जगह अपडेट करना यह करना पर साढ़े को रुके हुए ना असीं इन्हां दा भी धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वीर कि तुसी सिंबल दी जो एक्टिविटी है नो देश विदेश तक पहुंचाते रहते हो विशी जी अपने पैसे का पूरा मुल पाते हो विशी जी क्या बात है विशी जी ताडे जलवे अजे भी बरकरार हैं मेरे हिसाब नाल तुसी इंग्लैंड छड़ देना चाहिदा फिट हो गया विशी इंडिया की नागरिकता लै लेनी चाहिए थानू ताकि कंटिन्यू करो टूरनामेंटा के मौके दिते जान विशी जी अगली बाल लगभग दशमेश क्लब 5 ओवर ढेर हो चुकी है 4 रन
लेकिन जिस तरह मैं तुहानू पहले कहा सी विशी जी नू जिधर मर्जी को विकेट फुंडन की कोशिश करनगे शायद थोड़ा जिहा चकमे की प्रॉब्लम हो गई होनी है, मिस फील्डिंग इन असीं कह सकते हैं। ओह बल्लेबाज का नाम दसिया जाए, छोटी उम्र के बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज अपना नाम दसन फिर जी सीधा ना लिता जाए। एक सिख बच्चा तुसी इस तरह का ना लोगे प्लेयर का नाम खराब होता, शायद यो प्लेयर तुहानू कल इंडिया की जर्सी पाए दे लपे तुसी फिर इसनू इस नाम ना बुलाओगे तुहाडे कोल आएगा नहीं मिलन वास्ते, तुहाडी बड़ी इंसल्ट होएगी, इसे करके पहले ही प्लेयर का नाम सही दसो। अश्मीत हर्षमीत बड़ा प्यारा नाम है, अद्धा नाम कट के पिछे एम लान की कोशिश की थी पर असी कर नहीं दिता, ये साढ़े सिंबल की खासियत है, जिन्हों लैना पूरा सिंह लैके नाम बुलाया जाएगा, फतेह तू शुरू होगी तो फतेह तू खत्म। कत्ती 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 31 छे ओवर। तलविंदर जी पूरा मुल पै रहा थोड़ी कीमत अज 9,82,392 रुपए जो टीम पूरी भराई है, बड़ा बजट 2,000 रुपए। तनवीर जी आज बहुत खुश हैं, दुआ कर रहे हैं बस जी तलविंदर वीर की टीम जीते, असी जो आज रेस्ट दे रही है। तलविंदर वीर वालू 2,000 रुपया तनवीर जी अनाउंस किया गया है, पर तनवीर जी 2-3 दिन से बैंक बंद है, चेक पास तो होगा नहीं, चलो कोई नहीं कैश दवा देंगे तुहानू, टीम फाइनल जितनी चाहिए है। मेरी कमेंट्री करते हुए किसी नू बुरा लगता है ते दो हाथ जोड़ के माफी है, क्योंकि माफी तो ऊपर दे कुछ है नहीं लगता है। बबलू जी लंबे कद दे खिलाड़ी बॉल नू पटकन की कोशिश, विकेट लैने कामयाब, बड़े दबाके खिलाड़ी हैं, मैनू लगता है हुण फिर जी लास्ट विकेट, लगभग मैच खत्म। दर्शकों नूं दस्या जाए कि साडे कोल स्टार स्पोर्ट्स अते डीडी वन वाले भी आ रहे सन, दूरदर्शन दे असीं मना कर दिता क्योंकि दो दो इनिंग दा मैच है, असीं इक्को इनिंग ते सानूं पेमेंट होई है ते असीं नहीं आपसी सांझ वाले जड़े है ना वो निष्काम सेवा है, वो असी मजाक दे तौर ते इस तरह बोल रहे हैं, आपसी सांझ जो है वो निष्काम सेवा है, सिंबल दी गल ते ओ मौजू मेले तुहानू पता रौनक लगी रहती है, कमेंट्री सुन के दर्शक आ रहे, तुसी पिछे गेट देख सकते हो खचा खच भरिया होया, असी 2-4 बाउंसर भी रखे हुए अंदर कोई ना आए, जड़ी कोल एंट्री पास होएगा वही आएगा। यंग स्टार क्रिकेट क्लब ने 20 बंदयां नू रोज इंट्री पास अलाट किए हैं, उसके अलावा जो भी आना चाहेगा वो साड़ी वैबसाइट पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करके इंट्री टिकट ले सकते हैं, इंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, हाँ किसी नू स्नैक्स वगैरह चाहिए उसके लिए पेमेंट है, आज तलविंदर जी खुद बिजी हैं, कल तो बाद स्नैक्स की पेमेंट करके तुसी उन्हां कोलों स्नैक्स ले सकते हो। तलविंदर जी तनवीर जी तलविंदर वीर ते खेड रहे हैं ते बर स्नैक्स दा काम कौन देखेगा, बात ही खत्म होने तो बाद खत्म होने तो बाद 6 बजे तो बाद जरूर एक बार विजिट करो, शॉट एंड आउट विकेट फ्री हिट, फ्री हिट इस क्रिकेट विच भी देखने को मिलेगी, बैट्समैन तैयार। ओ साडे कोल मैं कैमरामैन साहब नु कहवा चेयरमैन साहब एसडीएस कमेटी दे चेयरमैन सिंबल डेवलपर्स सोसाइटी दे, शायद मेरी गल दा बुरा ना मन्नण पर मैं इन्हां नूं चेयरमैन ही कहांगा क्योंकि असीं इन्हां दा सतिंदर वीर दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां जी आया नूं, वीर जी 2 मिनट से अग्गे आ जाओ, खाली 2 मिनट से 2 मिनट से 2 मिनट देखो जी अवर थ्रो होगी 5 रन, लेकिन एसडीएस सिंबल डेवलपमेंट सोसाइटी दे चेयरमैन नहीं साडे लई चेयरमैन ही हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा बीड़ा चुकी के अज ग्राउंड दे विच रौनकां लाइटिंग का जिहड़ा इन्होंने वधन नहीं दिता बिल्कुल ही खत्म मैच। वीर जी तुहाडा इस टूरनामेंट दे विच असीं बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं जी आया नूं कहंदे आ पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वीर जी तुसी जो यूथ लई स्पोर्ट्स दे उपराले कर रहे स्पोर्ट्स दे कहांगा मैं स्पोर्ट्स दे उपराले कर रहे हो अज तुहानू इत्थे बैठ के खुशी मिल रही है वीर जी सब तो पहली गल कि किसी एक बंदे की कोई अहमियत नहीं आती जिन्हें असं सारे वीर मिलकर ही कोई चेयरमैन नहीं है कोई कुछ नहीं है इस तरह ही तुसी थोड़ा जा मजाक जिहा कर रहे हो साडे नाल असं सारे सेवादार हां ते इहदे विच कोई भी किसी भी किसी का भी कोई ओहदा नहीं है तो सारे मिलके काम कर रहे हैं आप वधिया काम चल रहा है तो सिंबल दे डेवलपमेंट सानू सिर्फ कल एक न्यूज़ देखी सी कि जिहदे विच मार्शल आर्ट दा सी ते सिंबल दी साडी पार्टिसिपेशन नहीं रही तो अगली बारी कोशिश होएगी कि साडी 100% पार्टनरशिप उहदे विच सिंबल दी तरफों रहेगी बाकी हर स्पोर्ट दे विच असीं कोशिश करांगे कि बच्चों नू इत्थे आई बच्चे आ साडे कोल तीन साढ़े चार ग्राउंड तैयार हो गए बहुत वधिया ग्राउंड तैयार होने चार दे चार ते संगतां नू ही अपील है कि साडा कोऑपरेट करन ते बच्चों नू अपील है कि ग्राउंड दे विच आके ते खेलन मैं दर्शकों नू दस दिया कोई अपॉइंटेड चेयरमैन नहीं है मैं जस्ट एक चेयरमैन ता कहंदा क्योंकि असी कोई भी जिले ग्राउंड दे रिलेटिव गल करनी होंदी इन्हां नू कहंदे ता मैं चेयरमैन कहंदा बाकी मेरी गल दा कोई गलत मतलब ना खिंचो इन्हां दी वड्डी बहुत वड्डी वडियाई है कि ये जिहड़ा इन्हां ने मैसेज दित्ता कि असी सारे इकट्ठे और सारे सेवादार आ जिसले सेवादार सारे बन गए नैचुरली गल है कार सेवा हर जगह चलेगी ते वीर जी मैं उस तरह ही पहले भी रमन वीर नाल ये गल कर रहा सा कि जो गतका तो होया उस दे वास्ते भी असी कोई उपराला करांगे उन्होंने दस दिता है कि असी जल्दी तो जल्दी गतका भी शुरू करांगे तुसी साडे कोल पहुंचे हो अज क्रिकेट दी टूरनामेंट देख रहे हो असी तुहाडा एक बार तो फिर जी आया वेलकम धन्यवाद भी करते हैं मैं तुहानू दस देवां कि यह जो मैच है मूसा क्रिकेट क्लब दशमेश क्रिकेट क्लब गाड़ीगढ़ दे विच खेडिया जा रहा है जो कि लगभग एक इनिंग का मैच खत्म हो गया दो इनिंग खेडी जाणगियां जिहड़ा कि इंट्री का पूरा पैसा वसूल है प्लेयरां नूं पूरा मौका दिता जाएगा 16-16 ओवरां की गेम है छोटे सर्कल विच मेरे हिसाब नाल इस दे लई बहुत ज्यादा फिटनेस चाहिए है मैच वल रुख मोड़िए तलविंदर कैप्टन टीम दे इन्होंने यह नहीं दस्या बबलू जो कि सरबजीत सिंह बबलू किन्ने पैसे टीम दे विच इन्हां दी एंट्री होई है वह भी रिकॉर्ड हुणे शेयर हो जाएगा 4,25,000 आस्ट्रेलियन डॉलर इन्हां दी एंट्री टीम विच 66 बार दी कोशिश लेकिन तुहानूं दस दईए तलविंदर जी बहुत चुस्त हन ओ साडे कोल एक्स क्रिकेट क्लेयर नहीं कह सकता क्योंकि थोड़े दिन पहले आप खेड रहे सर हरविंदर सिंह जी कुकू जी साढ़े भी पहुंचे यार कालू जी बहुत खुश ते असीं इन्हां नूं विच आए नूं कहंदे आ क्रिकेट दे प्लेयर हन सब तो पहले जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह तुसीं छड्डो मैं कोई सवाल नहीं कर रहा मैं सिर्फ यह पूछना चाहूंगा तुहाडे कोलों तुहानूं कैसा लग रहा है क्रिकेट दी टूरनामेंट देख के बहुत वधिया बहुत वधिया होनी चाहिए है ओ बिल्कुल इन्हां दा कहना जी होनी चाहिए है बहुत वधिया लग रहा है वैसे माइक दे घट बोलदे हैं तुसीं देख सकते हो इन्हां दा बेटा जदों कनेडा क्रिकेट प्रीमियर लीग ही सिलेक्ट होया सी उदों भी बोल नहीं रहे सन पर जबरदस्ती बुलाए गए सन बोलना मजबूरी सी अज भी थोड़े चुप चुप हैं लेकिन मैच दा आनंद मार थोड़े लेट हो गए क्रिकेट दा प्लेयर लेट हो जाए ये गलत गल है जी इन्हां नूं प्लेंटी पेगी इस चीज़ की मैच चल रुक तो तुसी देख रहे हो कि इस वेले बॉयज हाई स्कूल सिंबल कैंप दे विच जो अंडर सर्कल क्रिकेट मैच खेडिया जा रहा है इस मैच दे विच तुसी देख रहे हो कि बड़ी फिटनेस की जरूरत होती है वाकई दे विच इहदे विच बहुत क्योंकि ग्राउंड बिल्कुल छोटा होता है चार रन ये
तो ये मैच जड़ा है सैकेंड इनिंग जी शुरू हुई है। साड़ा मेन मकसद से कि इस ग्राउंड नू जड़ा है वो दसना ग्राउंड के बीच बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बल्लू जी। वाइड बॉल गुड शॉट बाबू जी। बॉलर नेम जशन जशन जी बॉल करा रहे गुड शॉट बाबू जी सिंगल रन दो और 13 रन मूसा क्लब और किरे बॉलर साढ़े पैंती है सागर जी ग्राउंड तू बाहर जाओ करणजीत सिंह जी अपल जी बाहर जाओ वीर जी सब नु पैंती है ग्राउंड तू बाहर जाओ गुड शॉट कैप्टन गुड शॉट बाबू जी चार रन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आज तो मैं लगा मैन ऑफ द मैच होंगे बॉलर ने बॉलर नेम हर किरण